नमस्कार, मैं सिद्धार्थ सिंह बिजनेस आप तक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज जिस बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूं, अगर आपने प्लानिंग तरीके से किया तो इस बिजनेस में जल्दी फेल नहीं हो सकते। मैं आपको बता दूं, अगर आप छोटे लेवल से कोई भी अपना रेस्टोरेंट खोलने का सोच रहे हैं, कम बजट से शुरू करने का सोच रहे हैं, तो आप अपना फूड ट्रक खरीद सकते हैं। फूड ट्रक मैं आपको बता दूं, एक छोटा मिनी रेस्टोरेंट होता है जो कि गाड़ियों पर डिज़ाइन किया जाता है। आपने देखा होगा कई मॉल के सामने, कई अलग अलग रेस्टोरेंट के, बड़े बड़े रेस्टोरेंट के सामने, और कई जगह आपने पॉश एरिया में देखा होगा कि एक छोटी सी मिनी ट्रक वैन कह लीजिए, जो कि डिज़ाइन रहती है, जिसमें कंपनी का रेस्टोरेंट का नाम लिखा रहता है और उसके अंदर अलग अलग फास्ट फूड बिक रहा होता है या तो आइसक्रीम का, आपने देखा होगा। वो काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट भी करता है और आप एक अच्छे लेवल पर इस बिजनेस से कमा भी सकते हैं। अगर आप इसमें छोटे लेवल से शुरू करना चाहते हैं तो थ्री व्हीलर पर अपना फूड कार्ट डिज़ाइन करवा सकते हैं। उस थ्री व्हीलर पे अगर आप पुराने व्हीकल पे कराएंगे तो ये नियर अबाउट 1.5 लाख से शुरू हो जाता है, और डिपेंड करेगा स्पेस। अगर आप बड़े फोर व्हीलर पे डिज़ाइन कराएंगे तो ये रेट बढ़ता जाता है, और रेट उस पर भी वेरिएबल होता है कि आप अंदर में किचन जो अपना डिज़ाइन करा रहे हैं वो किस तरीके का डिज़ाइन करा रहे हैं। इवन आपको बता दूं, आप अपना ग्रॉसरी शॉप भी खोल सकते हैं। आपको सबसे बढ़िया चीज़ ये रहता है कि ये शॉप आप मूव कर सकते हैं, यानी कि आप ये गाड़ी के अंदर डिज़ाइन रहता है, आप गाड़ी को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर आप ले जा सकते हैं। अगर आपको एक लोकेशन पे अच्छा रिस्पांस नहीं मिला तो आप दूसरे लोकेशन पे ले जाके इस बिजनेस को जमा सकते हैं। तो एक अच्छा लोकेशन चुनना इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। गाड़ी जो कंपनी डिज़ाइन करती है इस पूरे फूड ट्रक को, उस कंपनी का नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे भी रनिंग है वो नंबर। आप उनसे कॉन्टैक्ट करके सारा डिटेल ले सकते हैं। उनके डिज़ाइंस में जो वीडियो में आप देख पा रहे हैं, वो सारे डिज़ाइंस उस कंपनी ने किया है। अगर आप भी फूड ट्रक का बिजनेस करना चाहते हैं तो मेरी 6 बातें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी पड़ेगी। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ये लिए ये रहेगा कि आप स्पेस कितना यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप बिजनेस बड़े लेवल पे करना चाह रहे हैं, यानी इटालियन, कॉन्टिनेंटल, इस तरीके के सारे आइटम्स रखना चाह रहे हैं, तो आपको बड़ा कमर्शियल व्हीकल चाहिए होगा, लगभग 18 फीट का लंबा आपको कमर्शियल व्हीकल चाहिए होगा, जिसके ऊपर आप सारी डिज़ाइनिंग कराएंगे। तो ये आपको सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा कि कमर्शियल व्हीकल कौन सा चुन रहे हैं। अगर आप छोटे लेवल से बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो इवन थ्री व्हीलर पे भी आप अपना सारा सेटअप डिज़ाइन करा सकते हैं। डिज़ाइनिंग के लिए मैं आपको कंपनी का नंबर डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, और जिस वीडियो को आप देख रहे हैं, जो वीडियो बैकग्राउंड पे चल रहा है, वो सारा वीडियो उसी कंपनी के द्वारा बनाया गया हुआ कमर्शियल व्हीकल है। तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करके डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं। अगर बहुत पुराना अगर कमर्शियल व्हीकल लेकर आप डिज़ाइन करेंगे तो ये आपको सस्ता पड़ता है, लेकिन कुछ स्टेट में ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 10 साल से पुराना कमर्शियल व्हीकल कई जगह पे बैन है। व्हीकल के चुनाव के साथ साथ आपको सबसे महत्वपूर्ण लोकेशन चुनना भी है, क्योंकि लोकेशन बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा आपके बिजनेस को चलाने में। तो इसीलिए आप इस ट्रक को कहाँ लगाना चाहते हैं, कहाँ से ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ये पहले आप सर्वे कर लें, उसके बाद ही ये बिजनेस शुरू करें। इसीलिए लोकेशन चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आपको किचन के इक्विपमेंट और रॉ मटेरियल की होगी, जो आपको फूड ट्रक एस्टेब्लिश करने के लिए चाहिए होगा। जैसे इसमें माइक्रोवेव, जूसर, मिक्सर, फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर, ग्रिलर, कई तरीके का बर्नर रहता है, इक्विपमेंट रहता है, इसके अलावा बड़ी बैटरी इसमें लगती है, जनरेटर, मतलब आप ये सारी चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं। जो डिज़ाइनर का नंबर मैंने दिया है नीचे, उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं अपने ट्रक डिज़ाइन कराने के लिए। जो भी आप बनाएंगे उसमें किस तरीके का आपको इक्विपमेंट चाहिए, तो ये डिसाइड करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम तीसरे इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें, तो इसमें लाइसेंस और परमिट, जो कि ये रिक्वायर्ड है बिल्कुल आपको अपने बिजनेस शुरू करने के लिए। तो इसमें लाइसेंस क्या क्या चाहिए रहता है ये मैं आपको बता दूं। इसके लिए आपको सबसे पहले तो फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट चाहिए, आपको इसके अलावा शॉप और इस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस चाहिए, इसके अलावा NOC चाहिए आपको RTO से, NOC आपको अपने लोकल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से चाहिए, जैसे दिल्ली में एक MCD है तो MCD से चाहिए होगा, बॉम्बे में आपको बॉम्बे कॉरपोरेशन से चाहिए, मतलब आपको अलग अलग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से NOC चाहिए रहता है। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी के तरफ से आपको लाइसेंस चाहिए, FSSAI मोबाइल वेंडर लाइसेंस बनता है इसका। इसके अलावा किचन इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरी है। ये सारे जो मैंने आपको लाइसेंस बताया, ये अराउंड 40 से 50 हज़ार का खर्चा आपका बैठ जाएगा अगर सारी चीज़ें आप लेते हैं तो। ये खर्चा आपको अपने कॉस्टिंग में जोड़ कर रखना पड़ेगा, जो कंबाइंड पेपर मैंने आपको बताया। इसके अलावा अब आपको मैन पावर पर ध्यान देना पड़ेगा कि जो मैन पावर रिक्वायर्ड है आपके
फूड ट्रक को चलाने के लिए, जैसे आप कितने इंप्लॉयज़ रखना चाह रहे हैं, आप शेफ़ कितना रखना चाह रहे हैं, इस तरीके का आपको सारा बजट बनाना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो 2 से 3 कारीगर से भी शुरू कर सकते हैं। अगर आपका बजट बड़ा है और आप बड़े लेवल पर काम करना चाह रहे हो तो ज़्यादा कारीगर आपको रिक्वायर्ड रहेगी, तो इसका भी स्टेप आपको एस्टिमेट लगाना पड़ेगा। इसके अलावा आप अपने ब्रांड की तरफ ज़्यादा ध्यान दें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप ब्रांडिंग करना चाहेंगे तो एक फूड ट्रक का अपना एक नाम दें, अपना लोगो क्रिएट करें। इसके अलावा आप अपने स्टाफ्स को यूनिफॉर्म प्रोवाइड करें, यूनिफॉर्म देने से थोड़ा लोग अट्रैक्ट होते हैं। और इसके अलावा आप अपने एरिया में 5 से 6 किलोमीटर के एरिया में आप फ्री होम डिलीवरी रख सकते हैं। अपने एरिया में आप पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हैं, मेन्यू लिस्ट आप डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हैं अपने खाने का, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड आपके तरफ, आपके स्टॉल के, आपके फूड ट्रक की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचेगा। तो इस तरीके से आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और ये बिजनेस वाकई में अगर आप प्लानिंग तरीके से करेंगे तो ज़रूर सक्सेस होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।